ले लो आप, ले लो, इधर है जगह, दबा लो, दिख रही है मुझे, निकल जाएगी गाड़ी। अरे बंद कर, बंद कर, बदबू आ रही गोबर की। लगता है किसी को चाटा खाना है बहुत जोर से। मैं बताऊं तुझको, मोड़ी मम्मी इसको देख लो, ये मेरी चोटी खींच रहा है फिर से। इतना लंबा रास्ता है मनाली पहुंचने तक तो कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते रहोगे। ढंग से बैठ लो, पापा ड्राइव कर रहे हैं, परेशानी होगी उनको। मम्मी काम डाउन, काम डाउन, काम डाउन, काम डाउन, काम डाउन। मेरे हेडफोन कहां है, मुझे गाने सुनने हैं यार। वो तो मैंने घर पे ही छोड़ दिए थे। अबे मोड़े यार, क्या है तुमको? अबे कब आएंगे पहाड़, 2 घंटे हो गए चलते हुए। मम्मी भूख लग रही है। अबे ढाबे पे खाएंगे ना, पापा कब आएगा ढाबा? टाइम लगेगा अभी, चुपचाप बैठ जाओ। बेटा पापा को परेशान मत करो, हाईवे है। और ढाबे का क्या करना है, बना के लाई तो हूँ मैं खाना, अभी देती हूँ। ये लो आलू जीरे की सब्जी और पूरी खा लो, गिराना मत, टिश्यू ले लो वहीं पे। टेस्टी लग रहा है ना भाई, आपको मैं खिला देती हूँ। अरे नाक में क्यों डाल रही हो, गाड़ी मैं चला रहा हूँ या तुम? अरे हाँ मैं तो आपको देख सकती हूँ, मैं सामने क्यों देख रही हूँ। सही है ना, अचार लगाऊं क्या? हाँ हाँ सही है। मम्मी ये वाली सब्जी मेरी फेवरेट है, आप मुझे एक और पूरी दे दो। मैं भी लूंगा। हाँ बेटा ले लो पूरी, इसलिए तो बनाई मैंने आलू जीरे की सब्जी, मुझे पता था तुम्हें अच्छी लगेगी मेरे हाथ की, सफर में यही अच्छी लगती है। हाँ बेटे अभी पेट्रोल पंप या ढाबा आएगा ना तब रोकेंगे, तब जाइए वॉशरूम। एक तो कैसे रास्ते से लेके जा रहे हैं गूगल, अंदर ही अंदर से, अब जाके तो हाईवे आया है। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं सो रही हूँ दोबारा से। सो जा सो जा, मेरी भी कमर दर्द हो गई अब तो बैठे बैठे ऐसे। नहीं सॉरी, मैं आपके साइड में बैठ के, आप टेंशन मत लो। पहाड़ दिखने स्टार्ट हो गए, चिंकी देख चोटी दिख रही है वहां पे ऊपर देख। वाओ, अबे ओए चिंटू, चिंटू उठ जा पागल से, थोड़ी देर में पहाड़ दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। खिड़की खोल के बादल पकड़ लूंगा ऊपर पहुंचने। मेरे दोस्त वंश ने बताया था कि ना पहाड़ चढ़ के ना मनाली के रास्ते में बादल आते हैं। मनाली का रास्ता तो बहुत घूमता है, चिंकी को तो उल्टी की दिक्कत हो जाएगी, आज मोला रख लेनी चाहिए थी। जैकेट निकाल लेती हूँ, ऊपर पहुंचते ही फिर इन दोनों को ठंड लगनी स्टार्ट हो जाएगी। आए हाय, मुझ पे उल्टी मत कर दियो, तू बता दियो जब उल्टी है तुझे बाहर उतार देंगे। थप्पड़ मार दूंगी मैं, बार बार गाड़ी रुकवाऊंगी, तू चुप रह। फिर शुरू हो गए दोनों के दोनों। फिर सुनो ना, एक बार साइड में रोक लो, मैं जैकेट निकाल देती हूँ बच्चों के लिए डिक्की में से। ओ बड़े उधर ट्रक गए रास्ते से, इतनी छोटी सी रोड थी मम्मी, इतनी छोटी सी। हाँ मम्मी मैंने भी देखा था, उसे साइड से सेंटर हो गई है। कब पहुंचेंगे पापा? टाइम लगेगा अभी, चुपचाप बैठ जाओ। मम्मी अब शीशे खोल लें क्या हम? नहीं मम्मी, फोटो खींच दो हमारी। हाँ करो स्माइल,
रैक्स को बंद कर दे, गर्म हो गई बहुत ज्यादा। अरे मैंने बंद कर दिया, आप टेंशन मत लो। मैं तो बोल रही हूँ भाभी आप पैरों पे भी करा लो, वाटरफॉल में जाओगे, घोड़े पे बैठोगे, पैर तो दिखते ही हैं, और फिर ना लेडीज के पैरों पे बाल दिखते हुए अच्छे नहीं लगते। मम्मी अब तो हम घूमने जा रहे हैं, वहां थोड़ी ना होगा आपकी जान पहचान का कोई। जीन्स पहन लो ना, हॉट लगोगी। तेरे पापा को नहीं पसंद जीन्स जून्स पहनना, फोटो खिंचाओ कहीं डाल भी नहीं सकते, फेसबुक पे किसी ने देख लिया सब तो यही बोलेंगे रमेश की बहू जीन्स पहन के घूम रही थी। और ली तो ली मैंने कुर्तियां इतनी सारी, दिखा दे दीदी को, जा लेके आ। बेटे कच्चा दूध भी ले आइयो मम्मी के फेशियल के लिए। ला रही हूँ दीदी। कविता तूने मेरे घुटनों तक ही कर दे वैक्स, बाल तो मेरे ज्यादा है नहीं, फिर ग्रोथ बढ़ जाएगी। किसने बोल दिया आपको, वैक्स से हमेशा ग्रोथ कम होती है, जितनी वैक्स की पट्टियां पड़ेंगी उतनी कम होएगी, कभी भी वैक्स से ग्रोथ बढ़ती नहीं है। कौन से हिल स्टेशन पे जा रहे हो फिर आप? दार्जिलिंग जा रहे हैं 8 दिन के लिए, तभी मैंने कहा सब करा लेती हूँ, आईब्रोज डीटैन भी कर दियो, फेशियल कौन सा करेगी, पर्ल का कर दे। नहीं नहीं गोल्ड का कराओ, 8 दिन के लिए जा रहे हो, अब ग्लो तो रहनी चाहिए ना, फिर फोटो अच्छी कैसे आएंगी। दार्जिलिंग तो बहुत सुंदर है, वहाँ पे तो टॉय ट्रेन भी है, उसमें ज़रूर बैठना, चाय के बगान तो बहुत फेमस है वहाँ के। अरे वहाँ पे ना गोलगप्पे को पुचका बोलते हैं, और इमली के पानी से बनाते हैं गोलगप्पे, बहुत टेस्टी लगते हैं। पता नहीं हम तो पहली बार जा रहे हैं, देखते हैं क्या रहता है। सारे बाल तो निकल गए। भाभी मेरे लिए वहाँ से एक पैकेट ले आना ना दार्जिलिंग टी का। देखो आज तो बहुत ज़्यादा चीज़ मच रही है। भाभी मैंने तो एक्टिवेटर भी कम ही डाला है, मुझे पता है ना आपकी स्किन सेंसिटिव है, थोड़ी देर तो अब चीज़ मचती है, इसको रखूँ नहीं तो फिर बाल ब्राउन नहीं होंगे आपके। ये वाला देखो, सारी शॉपिंग हमने सरोजनी नगर से की है। क्यों मम्मी मज़ा आ गया ना, मैं लेके गई थी मम्मी को सरोजनी नगर। हाँ मज़ा तो आ गया, मार्केट भी अच्छी है, बार्गेनिंग भी अच्छे से कर ली मैंने तो। चश्मा दिखा दीदी को। हाँ मुझे तो ग्रे वाला पसंद था, मम्मी ये ब्राउन वाला उठा के ले आई। अच्छा तो लग रहा है, सूट करेगा भाभी आप पे। हाँ तो अभी ये पहन लूंगी, वापस आएंगे तो तू अपनी पसंद का ले आई हो बदलवा के। मैं तो नहीं जाऊंगी। अच्छा लिस्ट चेक कर ले, सारा सामान ले लिया ना हमने अपना। मम्मी अब क्या चेक करनी लिस्ट, 100 बार तो आप चेक करके सामान लगा चुकी हो अटैची में, 3-4 बार आपने सारा सामान बाहर भी निकाल दिया, अब दोबारा मत निकाल देना, अब जच गई है अटैची। तेरे पापा तो बोल रहे थे दोनों माँ बेटी एक सूटकेस करना, ज्यादा लगेज मत करना, सफर में फिर सफर करना पड़ता है ज्यादा लगेज के साथ। है नो वे, अब इतना नया सामान लिया है, मेरे टॉप्स एयररिंग ड्रेसेस 4 तो मेरे फुटवेयर ही हैं, और ऊपर से मेरे को हेयर ड्रायर रखना है, हेयर स्ट्रेटनर रखना है, मम्मी उसके लिए मैंने अलग से एक अटैची कर लिया है, आप बोल देना पापा को। और ना तू एक खाली पिट्ठू बैग भी रख ले, आखिरी दिन शॉपिंग करेंगे वहां से। जैकेट तो आप वहीं से ले लेना, ठंड की जगह पे ना अच्छे मिल जाते हैं सर्दी के कपड़े। हाँ सब लोगों का तो मन करता ही है गिफ्ट का, आखिरी दिन ना शॉपिंग का रख लेंगे, सबके लिए गिफ्ट खरीद लेंगे। दीदी कब निकल रहे हो आप लोग? हम लोग 12 बजे निकलेंगे, आज रात की ट्रेन है, राजधानी की टिकट मिल गई थी हमें तत्काल में। बढ़िया है, खाते पीते जाएंगे, तीनों टाइम का अच्छा खाना मिलेगा। हाँ मज़ा तो बड़ा आता है, बेटी आती है बेटी, गरम गरम सूप, ब्रेड स्टिक, थाली, यम्मी। अब पहले वाली बात रही कहाँ है कोविड के बाद से, भाभी मैं तो कहूँगी आप घर से बना के ले जाओ खाना। अब कौन बनाएगा खाना, मैं तो यहाँ काम करा रही हूँ अपना पार्लर का। सिम्मी बना लेगी ना, मेरी बिटिया तो पूरा घर संभाल लेती है मेरे पीछे से। अब मैं यहाँ हूँ, घर जाऊंगी, खाना बना के रखा होगा उसने। अरे आंटी क्या कर रही हो, क्यों भड़का रही हो मम्मी को, आप तो चली जाओगी पीछे से मुझे दिक्कत हो जाएगी। क्या गोबर भर रही है मम्मी के दिमाग में। चुप हो जाओ आंटी, चुप हो जाओ।
कलर मंगा लिया भाभी आपने? हाँ मैं ले आई, बगेंडी और डार्क ब्राउन। क्या कॉम्बिनेशन है मम्मी। तुझे नहीं पता, काले रंग से तो नकली लगते हैं बाल, तो डार्क ब्राउन कर लो यूज। धूप में चमकता है ना, सुंदर लगता है बर्गेंडी और ब्लैक मिक्स करके। तुझे नहीं पता ये सब, बड़े होके तू भी करवाइयो यही वाला कॉम्बिनेशन। बाल आज कराऊंगी मैं तो कॉलेज में जाकर। हाँ तो मैं कर दूंगी, आता है मुझे, तेरा सारा काम मैं कर दूंगी, टेंशन मत ले तू। हाथ भी ना लगाने दूं मैं तो अपने बालों पर। इसको एक बार ही ट्वेल्थ में आने दे, फिर ही कराऊंगी मैं इसके सारे काम, उससे पहले सही नहीं है ना, पढ़ाई में ध्यान भी तो रहना चाहिए। कुछ नहीं होता, आजकल सारी लड़कियां कराती हैं भाभी, आईब्रो तो बनवा ही लो, अच्छा नहीं लगता ना, अब इतनी बड़ी लड़की है, मुझे भी आ रही है सिमनी की। तो कह रही है तो कर दे फिर। आजा सिमनी आजा, कर दूंगी तेरा, नहीं होगा दर्द, तेरी मम्मी को पता है कितना स्मूथ चलता है मेरा थ्रेड है भाभी। पीछे से तो बोलती है, कट मार के चली गई। चल फिर तू इतने इसकी आईब्रो बना दे, मैं उठ जाती हूँ। हाँ ओ जल्दी आ, जल्दी आ, स्ट्रेच कर लियो। मम्मी स्ट्रेच करवा दो आप फिर। भिंडी ठीक लग रही है भैया, ऐसा करो आधा किलो भिंडी पैक कर दो। टमाटर कैसे दिए भैया? मीनू भाभी आप? हाय मैंने तो पहचाना ही नहीं आपको। पहचानोगी कैसे, टैनिंग जो रखी है मुझे, मसूरी गए थे अभी घूमने, वहाँ से काले भूत बन के आए हैं, टैनिंग से बाजू छपी हुई है, इसलिए फुल स्लीव पहनकर घूम रही हूँ मैं तो। चलो ना घर चलो, आप चाय पिलाती हूँ आपको। चलो ये कर दो भैया। भैया हो गई मेरी भिंडी, आओ आपको कड़क चाय पिलाऊंगी। और कुछ लेना आपको? बहुत अच्छी बना रखी है इस लड़की ने आपकी। मेरे को भी एजेंसी का नंबर दे देना जिससे ली थी आपने ये लड़की। ठीक है व्हाट्सएप कर दूंगी मैं। फिर कैसा रहा आपका मसूरी? रश होगा इस टाइम पे तो नहीं? रश? रश की तो अब बात ही मत करो, ऐसा लग रहा था पूरा का पूरा दिल्ली यहीं उठ के आया हुआ है, पैर रखने की जगह नहीं थी, गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, मतलब ये समझ लो दोपहर में तो बाहर निकलने का कोई मतलब ही नहीं। अच्छा जी, तो गाड़ी कर लेते ना आप लोग, गाड़ी से घूम लेते। गाड़ियों की भी तो इतने इतने रेट हो रखे थे, और जाम इतना, गाड़ी सरक के ना दे, इतनी सी सरके थोड़ी थोड़ी देर में। वो तो शुक्र है सनसेट होने से पहले लाल टिब्बा पहुंच गए, वरना तो बच्चे नचा ही देते। सनसेट सुंदर होगा नी? बहुत सुंदर था, फोटो दिखाती हूँ आपको, ये देखो। हाय इतना प्यारा नजारा था, दिल खुश हो गया सबका देख के। अच्छा आपने हॉर्स राइडिंग भी की थी भाभी? हाँ जबरदस्ती बिठा दिए इन्होंने घोड़े पे, मैंने तो मना किया था, मेरी तो जांगे लग गई, साड़ी में बैठे भी तो नहीं जाता। वो तो शुक्र है सूट रख के ले गई थी मैं साथ में। वहाँ पे तो कैंपटी फॉल भी है, वहाँ गए थे आप लोग? हाँ गए थे, है ही क्या, झरने ही झरने हैं, इन सब का भी क्या है, कपड़े उतारे कूद गए, पर चलो अच्छा है आउटिंग हो जाती है। आप लोग भी जाओ कहीं घूमने हैं? जाएंगे जाएंगे गोवा, अभी कह रहे थे गोवा, कल तो बच्चों को थाईलैंड घुमा दिया यूट्यूब पे इसके पापा ने, ऐसे ही रोज पागल बनाते रहते हैं बच्चों को। उस दिन बच्चे बोले कि पापा शिमला जाना है, तो फिर यूट्यूब पे शिमला का व्लॉग दिखा दिया कि अब ये तो देख लिया आप कहीं और चलते हैं, अब देखें कब जाएंगे गोवा, आज वो ना दिखा दें यूट्यूब पे। अरे काम करते हैं ना भाभी, हम दोनों फैमिलीज मिलके चलते हैं घूमने, बड़े ग्रुप में मजा भी ज्यादा आता है। हाँ चलते हैं, अगली गर्मी की छुट्टियों में चलते हैं। नहीं तो और अच्छा बताओ, भैया को अगर नहीं जाना ना, हम दोनों चलते हैं बच्चों को लेकर। सही कह रहे हो आप भाभी, बच्चों का घर में बैठे बैठे मट्टी पलीत हो रही है, हम ही लेके चलते हैं उनको बाहर, हम संभाल भी लेंगे बच्चों को और मजे भी करा देंगे अपने तरीके से, और घूमना भी हो जाएगा। सही कह रहे हो, कहाँ जाएं फिर? आप बताओ ऋषिकेश चल लेते हैं, नहीं हरिद्वार चल लेते हैं, दोनों का हो जाएगा पास पास है। हाँ ज्यादा लंबी ट्रिप तो कर भी नहीं सकते, फिर इनको घर पे अकेले इतना टाइम थोड़ी छोड़ दूंगी।
तो चलते हैं अब, मजा आएगा। हाँ क्या है मम्मी, क्यों ले आई हो मुझे जबरदस्ती ट्यूशन? समर वेकेशन स्टार्ट हो गई है, ट्यूशन की भी किसी भी बच्चे की नहीं थी बाहर चप्पल, सब छुट्टी मना रहे होंगे। चुप रह तू। बबीता मैम, मैं चिंकी को लाई हूँ साथ। बबीता मैम मैं तो ले आई हूँ इसको समर वेकेशन में भी, कोई छुट्टी नहीं है, डेढ़ महीना आप लगातार पढ़ाओ इसको। 20 तक का ना टेबल याद करा देना और सारे सब्जेक्ट के सिलेबस को भी आप पूरा करा देना। क्लास में हर बच्चे से आगे रहिए। आप ना बिल्कुल भी टेंशन मत लो, इस बार ही टॉप करेगी ये क्लास में। इसकी हैंडराइटिंग पे भी वर्क करूंगी मैं, कर्सिव कराऊंगी इसको। ठीक है, और ये ना हॉलीडे होमवर्क भी मिला है, देख लो भर भर के दे रखा है। मेक अ न्यूज़पेपर। अच्छा न्यूज़पेपर बनाना है इसको? है न्यूज़पेपर बनाना है, अपनी खुद की खबरें बच्चों को लिखनी है बनाकर। बताओ अपनी खबरें कहाँ से ईजाद करेंगे बच्चे, अब कोई टीचर क्या पढ़ती होगी? 40-40 बच्चे तो एक क्लास में ही होते हैं, 30 दिन से ऊपर की छुट्टियाँ होती हैं, अब इतनी खबरें पढ़ने का हर टीचर के पास टाइम होगा? कोई रद्दी में ही जाता होगा। और बच्चे फालतू में लगे रहते हैं स्क्रैप बुक और पता नहीं क्या क्या बनाने में, टाइम वेस्ट ही तो है, टाइम की बर्बादी है, क्या तुक बनती है इतना होमवर्क देने की। उनको भी पता है बच्चों को तो करना होता नहीं है, माँ बाप ही करते हैं फिर भी दे देते हैं, हमें और भी काम होते हैं इस फालतू के काम में लगा देते हैं। लेकिन टीचर्स की भी क्या गलती है, वो नहीं कराती होंगी अपने बच्चों को होमवर्क? कराती होंगी, बिल्कुल कराती होंगी, एजुकेशन सिस्टम ही खराब है, उनकी गलती नहीं है, उनकी तो मजबूरी है, उनको तो देना ही पड़ेगा होमवर्क। बबीता मैम अब आप ही कराना इसको होमवर्क, इतना सारा है, मैं तो इसको आपको पकड़ा कर जा रही हूँ। देख लो आप सारा होमवर्क आपकी जिम्मेवारी है, हम तो कहीं नहीं जा रहे, डेली कराओ आप, हम कहीं घूमने नहीं जा रहे। बेटा क्या हो गया, नाक खोल कर रख देगी क्या? आधा घंटा हमने बात करी है, आधा घंटा इसकी उंगली नाक में रही, पूरी चद्दर गंदी करती है। खड़ी हो, हैंड वॉश कर क्या? सॉरी मैम। नोज पिकिंग की हैबिट है इसकी, आप टेंशन मत लो, ये भी छुड़वा दूंगी मैं। अच्छा इंग्लिश में नोज पिकिंग बोलते हैं? मैं तो कहती हूँ आप इसकी अबैकस की भी क्लासेस लगाओ, अभी से इन सब चीज़ों में आगे रहेगी ना, माइंड शार्प हो जाएगा इसका, फिर 12th में अच्छा स्कोर करेगी। हाँ बस टीवी नहीं छोड़ता ना, कार्टून देखती रहती है पूरा दिन। नहीं टीवी का तो आप कनेक्शन ही हटवा दो, देखो पेरेंट्स को भी कुछ तो सैक्रिफाइस करना पड़ता है, हमारे घर में मैंने कनेक्शन हटवा दिया, मेरे बच्चे टीवी नहीं देखते। अच्छा मैं अब चलती हूँ, मेरे को मार्केट में कुछ काम भी है, आप पढ़ाओ। तो साथ में क्लास जी जी सारे में जाले हो रखे हैं, अकेली लगी रहती हूँ पूरा पूरा दिन, किसी को मेरी परवाह नहीं है। मेरी तो समर हॉलीडेज हो गई है। अब इन बुक्स का क्या काम, निकालो इनको। आ गई? यस। ये लो मम्मी, दो दो इस बैग को, अब एक महीना इसका कोई भी काम नहीं है। जेबे चेक कर ली सारी, कहीं फुट्टा रखा हो, शॉपनर रखा हो? हाँ मम्मी कर ली है। ये देख देख, पेंसिल रबड़ शॉपनर रख रखा है, कपड़े चेंज कर, यूनिफॉर्म दे, ये भी धोने में डालो। हाँ मम्मी धो दो, इसका भी अब कोई काम नहीं है कोई ना। खुश है, मेरी परेशानी के दिन शुरू हो गए। दे जल्दी कपड़े उतार के। कुक ने तो मजा करा दिया। खाना नहीं खा रही मैडम, आते ही कोक पी रही है बर्फ डाल के, गला पकड़ लेगा फिर बिस्तर पे पड़ी रही हो पूरी समर वेकेशन अपनी। मम्मी कोई बीमार नहीं पड़ूंगी मैं,
पार्टी कर रहे हैं अपने समर वेकेशंस की। आपको पता है मेरी क्लास के सारे बच्चे ना घूमने जा रहे हैं। हम कब जाएंगे? मेघा तो अपनी नानी के घर गई है केरला, और लावण्या गई है लद्दाख अपनी पूरी फैमिली के साथ घूमने। हम कब जाएंगे मम्मी? मुझे तो बर्फ देखनी है, मैं पूरी 8 ईयर्स की हो गई हूँ, कब देखूंगी मैं बर्फ? बेटे बर्फ ना रूई जैसी होती है, तू ये समझ ले। है? रूई जैसी होती है बर्फ? आपने देखी है? शादी के बाद गए थे ना ये और मैं वैष्णो देवी, थोड़ी सी पड़ी थी वहां पर। शिमला चलते हैं, वहां की मॉल रोड ना सबसे बढ़िया होती है। शादी से पहले तो बहुत घूमी हूँ मैं, फिर तेरे होने के बाद तो बिल्कुल ही जाना बंद हो गया कहीं भी। वहां पे बर्फ पड़ेगी शिमला में? शिमला में कहाँ पड़ती है अब बर्फ, वैसे ही गर्मी आए। सर्दियों में जाओ तो फायदा भी है, फिर बर्फ के लिए तो बेटा आपको फिर ऊपर जाना पड़ेगा, मनाली में पड़ सकती है बर्फ। तू बर्फ छोड़ना, नैनीताल चलते हैं, वहां पे नैनी लेक है, बोटिंग करेंगे। तेरे नाना बचपन में लेके गए थे, मैंने तो बोटिंग करी थी और बुड्ढी के बाल खा रही थी बोट में बैठ के। हाँ तो मेरे पापा भी बहुत कूल है, वो भी ले जाएंगे मुझे घुमाने। अभी पापा से बात करती हूँ। हेलो पापा, सुनो मेरी समर वेकेशन स्टार्ट हो गई है, तो आप मुझे घुमाने ले चलना नैनीताल। तो आप होटल बुक कर लो, वहाँ जाके हम बोटिंग करेंगे। ओके बाय, बोल दिया मैंने पापा को। तेरे पापा का फोन आ रहा है। हाँ हाँ सही बात है, ठीक है ठीक है। अच्छा ठीक है। चिंकी तेरे पापा बोल रहे हैं अगले साल जाएंगे बेटे, अभी तो फुल बुकिंग चल रही है और रेट भी डबल ट्रिपल हो रखे हैं। 2-3 महीना पहले बुक कर लो ना तो सस्ते में मिल जाते हैं होटल, तो अगले साल जाएंगे, अभी से बुक कर रहे हैं टिकट। आप लोग हमेशा ऐसे ही करते हो, मुझे घुमाने भी नहीं लेके जाते हो। मैं 8 ईयर्स की हो गई हूँ, कहीं भी नहीं गई हूँ, 9 ईयर्स की हो जाऊंगी फिर भी कहीं नहीं घूमूंगी। मेघा तो मॉल रोड भी गई हुई है, घोड़े पे भी बैठी हुई है, ठीक है मुझे घुमाने नहीं लेके जाओगे? मैं स्कूल भी नहीं जाऊंगी, कहीं भी नहीं जाऊंगी। अरे बेटे क्या करूँ मैं, सुनो देख लो ना मिल जाएगी जगह, बहुत मन है इसका जाने का। शादी के बाद मुझे तो आप कभी कहीं लेके गए नहीं हो, अब बच्चों का मन नहीं मार सकती मैं। देख लो मिल जाएगी टिकट, मैं नहीं रोने दूंगी अपने बच्चों को। आप करो बुक, हम जाएंगे घूमने। चिंकी क्या है? तेरे पापा मान गए, टिकट बुक कर रहे हैं, हो जा खुश। मम्मी ये वाली ड्रेस रखो या ये वाली? एक काम करती हूँ, मैं दोनों ही रख लेती हूँ। पागल, जैकेट निकालूं, वहां पे तो ठंड होती है स्टेशन पे, सर्दी के कपड़े पहनेंगे। सर्दी के कपड़े रखने हैं पागल लड़की, आ रही हूँ मैं। हाय गाइस, कैसे हो? वी होप आप सभी ने समर वेकेशन वाली वीडियो को बहुत इंजॉय किया हो। हम लोगों ने इसमें बहुत अलग अलग पॉइंट्स डाले जो भी समर वेकेशन में होते हैं, जब हम हॉलीडे पे जाते हैं, तो आप लोगों ने बहुत रिलेट किया हो, बहुत हंसे हो एंड बहुत इंजॉय करा हो हमारी वीडियो को। एंड आप अपना फेवरेट पार्ट हमें कमेंट सेक्शन में अभी बताओ, क्योंकि हमें आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। एंड ऑल्सो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो सभी के साथ, जिस भी इंसान को जानते हो इस दुनिया में उसके साथ शेयर कर दो, सबके साथ। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऑल्सो हम लोगों ने जैसे कि आप सभी को बोला था कि जो लोग करेक्ट गेस करेंगे वीडियो का टॉपिक, उन लोगों को शाउट आउट मिलेगा। एंड बहुत ही सारे लोगों ने करेक्ट टॉपिक गेस कर लिया है, तो यहाँ पे बहुत बड़ी से स्क्रीन पे बहुत सारे नेम्स आ रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर यस, वी लव यू गाइस।
बाय। चेक कर ले, सही तो है। बीच में लाइट बंद हुई थी। अबे यार हंसी क्यों आ रही है? झूठ साठ हुआ नहीं, हंसना शुरू। ब्लूपर बन, ब्लूपर ही बना लेते हैं बैठ के हम। वीडियो वीडियो तो बनती रहेगी। एक्शन है क्या? आप टेंशन मत लो। हंस क्यों रही है? मुझे सच्ची में दर्द हो रहा है, मेरे रियल के बाल खींच रहे हैं। कोई बाल नहीं निकला। खींचा तो है। वो निकले, निकले। पहले इसी को पट्टी को पकड़ के दुखेगा कितनी देर में। क्या गया? पता है। हाँ। बदतमीज। बोल दिया कभी तो। अरे तेरी दिक्कत क्या है? हंसी नहीं आई अचानक से? पहले तूने मुझे बोला। अच्छा चल ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आ ना तू। तू क्या है? चक्कू को छोड़। चाय के बगान तो बहुत फेमस है वहाँ के। पता नहीं हम। अरे रुक जा पागल, मेरा डायलॉग है अभी। हाँ तो मैं कर दूंगी, आता है मुझे सारा काम। तू टेंशन। सारा काम आता है तेरा तो। सारा काम मैं कर दूंगी। हाँ तो मैं कर दूंगी। बालियाज आता है। इतना लंबा रास्ता है मनाली पहुंचने तक, क्या कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते रहोगे? ढंग से बैठ लो। चल अंकल। शोर सा आ रहा है कुछ। ओ भी जाएगा कि भाई घर का उनका ना बिगड़े ना स्केड्यूल। हाँ मैं तो इनकी बहन। मैं तो भूल गई वो उसने हंसा ना इमरान, तो मेरे को रियलाइज हो। आप चुप हो जाते हैं। जंगल में रह के शेर से बैर नहीं करते। जंगल में रह के शेर से बैर। चलो आप ना बिल्कुल भी टेंशन मत लो। अपनी अपनी एक्टिंग में मुझे हंसी आना फुल टाइम बैठो प्लीज भगवान के लिए। अरे क्या हो रहा है? कपड़े क्यों गिरते हैं? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ किया। कर लेना छोटा सा। एक सेकंड मत कर पाए। 1 2 3 गो। अरे मैं कर रही हूँ एक्टिंग। हंस रही है। मैं तो हंस भी नहीं रहा। अच्छा इसमें अलग ही आवाज के लिए। हाँ इमरान के लिए का खेली थी। आई थिंक इट्स फाइन। ठीक है कि अबैकस की भी क्लासेस स्टार्ट करा दो। और बताओ सब बढ़िया। आप बताओ। टेंशन मत लो करवा दूंगी। ठीक है मत
नहीं नहीं मैं बोलूंगी। नहीं मैं बोलूंगी। आप ना अब बैकिस ज्वाइन कराओ इसका। नहीं अच्छा अच्छा इंग्लिश में नो स्पीकिंग अब क्या हो गया तो क्या अच्छा एक मिनट इतना क्या है इसमें अच्छा इंग्लिश में नो स्पीकिंग बोलते हैं एग्जैक्टली देखो हथियार है कि मेरा बच्चा ऐसा काम कर रहा था अब मैं सोचूंगी नहीं भाड़ में चूल्हे में जाए बच्चा अच्छा अच्छा इंग्लिश में नो स्पीकिंग बोलते हैं 1 2 3 क्या हो गया तू मत कर आप लोगों को नहीं करना एक्टिंग कर रही हूँ नॉनसेंस 1 2 3 गो बेटा क्या हो गया है चप्पल मैंने गलत बोला अबे क्या हो गया मेरा डायलॉग तो बोलने दे 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 क्या प्रॉब्लम है तेरी अबे फोन तो दे दे एक मेरे को भी तो आएगा मेरे पति का फोन दे ना अपना फोन फोन की यूज करना है तुझे Let's go.